इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत एक बहाली निकलकर सामने आ रही है यदि आप एलिजिबल हैं तो इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिए गए हैं देखिए अलग अलग विज्ञापन संख्या दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर और सभी में पोस्ट नेम अलग अलग है यहाँ पर देखिये विज्ञापन संख्या जीरो दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री के लिए पद दिए गए हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट दिए गए हैं ड्राइवर के लिए हाई स्कूल पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए पाँच टोटल वैकेंसी की बात करें तो तैतीस पद हैं जबकि पी एस दिए गए हैं यहाँ पर ग्रेड पे 2800 है तो इस तरह से आपको पेमेंट मिलेंगे अब यहाँ पर देखिए पेमेंट दिए गए हैं 950 जनरल और ओबीसी के लिए है इ के लिए 850, सौ पचास एस के लिए 750 सौ है अब चलिए चलते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन करेंगे और सर्च कर देंगे हॉस शेयर सर्च करेंगे पहला रिजल्ट दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है वेबसाइट पर आने के बाद में जॉब नोटिफिकेशन के नीचे इलाहाबाद कोर्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे वैसे इस पोस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं इसके पहले बता दू अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए स्क्रोल डाउन करने के बाद में यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी मिल जाता है फॉर्म भरने की तिथि है चार अक्टूबर दो उस दिन मैं फॉर्म भर के एक डेमो वीडियो अपडेट कर दूंगा ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए अलग अलग फीस जमा करने होंगे तो आप देख सकते हैं जनरल के लिए 850 सौ पचास है वही स्टेनोग्राफर में जनरल और ओबीसी के लिए 950 सौ पचास है तो एक बार आप देख लीजिएगा पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करना है यहाँ पर देखिए वैकेंसी टोटल दिए गए हैं स्क्रोल डाउन करने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हर पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा वही नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम ओपन हो जाएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा और यहीं पर देखिए यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसको आप ओपन भी कर सकते हैं ओपन करिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक खेर पर क्लिक करके आवेदन करना है और यहीं पर देखिए लिंक फॉर इलाहाबाद इंग्लिश एडवर्टिंग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो मैं एक वीडियो अपडेट कर दूंगा मुझे उम्मीद है की यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं न्यू वीडियो में धन्यवाद